अच्छा पारी, दिवाली आने से पहले, दो दिन आने से पहले ही मैसेज शुरू हो जाते हैं क्या आपको? हैप्पी दिवाली, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, दुआओं का सिलसिला आम हो जाए। अच्छा यही लोग दो दिन पहले नेटवर्क जाम करते हैं एक्चुअली। अच्छा कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं ना भाई, दिवाली का मैसेज आता पढ़ते नहीं है। क्यों? बिना ना वैसे ही उनको पता दिवाली वाला दिन ही आएगा, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सीरियसली एक बार पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। अगर मैं भेजूं ना मैसेज अपनी तरफ से पढ़ा के, कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो ना पढ़ेगा उसको। अच्छा ऐसे कैसे? और मैसेज ये भेजूंगा कि अगर तू अपने अंदर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला, तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी देहड़ी पे राम नाम का दीपक जला ले, तेरे अंदर भी उजाला तेरे बाहर। तो यही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, थैंक यू एंड विश यू सेम। ऐसे ही करते हैं लोग भाजी। मैं तो कहता हूँ कई कई बार दिवाली के चक्कर में 100-150 मैसेज दिवाली के आ गए ना, बीच में एक ऐसा आ गया, अरे सुना है आपके दादाजी गुजर गए, उसको भी लिख देते हैं थैंक यू एंड विश यू सेम। सीरियसली। अच्छा आजकल मैसेज के साथ साथ ना वीडियो और फोटो वाले मैसेज भी आने लगे हैं। हाँ हाँ। बड़े सारे लोग ना हैप्पी दिवाली पे दिए वाली फोटो भेज देते हैं, ऐसे दिया निकला होगा। मैंने रक्षाबंधन में देखा बहुत सारी बहनों ने जो दूर रहती है बेचारी नहीं आ सकती, अपने भाइयों को ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं राखी की ना, साथ में देसी घी के 1 किलो लड्डू, ये लो 1 किलो लड्डू। ऊपर से कई भाई भी बड़े शाने होते हैं, 1000 के नोट की फोटो खींचते, क्रिक ये लो कड़क 1000 का नोट, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा कुछ लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ दिवाली में पहनते हैं, उसके पहले वो तय लगा के रखी होती घर पे, पूरा पूरा साल पड़ी रहती है, अब ऐसे तय लगी होगी कुर्ते को, तो उस कुर्ते को आप जितना मर्जी प्रेस करो, आयरन करो उसको, तो वो सीधा नहीं होता, वो उसकी बाजू ऐसी रहती है। तो जो तो थोड़ा तंदुरुस्त आदमी ऐसे करके सीधा कर लेता है, नहीं तो बेचारे जो थोड़े कम सेहत वाले, तो वो कुर्ते के साथ साथ उसे एडजस्ट हो जाते हैं कुर्ता। और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़ा सा काम देखो। देखो ऐसा है, हाँ जी, अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में। अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ जब भी वहाँ आए अजय और काजल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह दे। चलो ठीक है। तो एक मिनट, तो नहीं ओ अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो अजय देवगन और काजल आने वाले हैं। सिमरन बजा दे मामा, सोच दक ये सिमरन सिमरन आ गई है, सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई दिवाली की बात चल रही है, जैसे दिवाली आती है ना बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा आप 10 बार निकलो, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा कई तो दिन में ही 2-4 लगा के आए होते हैं, हैप्पी दिवाली सर। अच्छा आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं, हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, पहले तो सिलेंडर देकर निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके अरे मैडम मैं लेके जाता हूं, अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं, ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे चल रहा है, दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते। बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए, तो ये औरतें बड़ी शानी होती है, अरे मैं तो भूल गई दिवाली, ये ले लड्डू। वो आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस, अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके देके आता है, किसने कौन सा हमें को पैसा देना है। come on, come on, come on, come on.
भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना कर ले, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है, आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 to 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है, 5 to 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 to 10 रेस्ट है, वर ए बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ। काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही हैं मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, कल आ रही हैं 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना जी, तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूँगा, बट नई नई ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना ना ना, बट तुम ऑन रहना, ठीक है? और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना, अगर यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है? और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है? चलो आओ, आओ जल्दी, रेडी। एक्चुअली मैंने डॉक्टर गुलाटी से झूठ बोला है, काजोल कल नहीं आज ही आ रही हैं, बल्कि अभी आ रही हैं, वो भी अपने पति परमेश्वर श्री अजय देवगन जी के साथ। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक, अजय शिवाय देवगन एंड ब्यूटीफुल मिसेस काजोल देवगन। और जोरदार होनी चाहिए, आज सिंगम पहली बार अपनी सिंगिंग के साथ तशरीफ लाए हैं। ओहो, आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। आपको भी, और जैसा आप बोल रहे थे कि आपको भी जी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बट आप सबको भी। देखो, हस्बैंड कितना भी तगड़ा हो जी, रहती वाइफ ड्राइवर सीट में। बात सही है, बात सही है, इसलिए लेडीज फर्स्ट है आज। जी जी प्लीज। चांद को चांदनी, सावन को बहारों का एहसास हो जाता, वाह, खिल उठते ये फूल जब आपका दीदारे खास हो जाता। काश 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 आप पर होता सब्जेक्ट कोई स्कूल में, दिल लगाकर पढ़ता बच्चा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता। क्या बात है, Thank you so much. इतनी खूबसूरत बात आपने कही बाजी, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई, लानत है तेरे पे। मैंने तेरे को भेजा था मेहमानों को लेके आना अच्छे तरीके से, ये क्या लेके आया तू? तो क्या करूँ, सारी गाड़ी तो उन्होंने फिल्म में तोड़ दी है। गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा के लेकर आ, धक्के मार के लेकर, बदतमीज आदमी। फिर भी मैं इनको गाड़ी में लेकर आया, खुद मैं पैदल आया हूँ। ये तू तू चल शट अप, ये बहुत कंजूस आदमी है बेसिकली। दिवाली पे आप लोग अपने बच्चों को पटाखे लेके देते होंगे ना, ये कोई पटाखे नहीं लेके देता, वैसे ही बच्चों को मुंह से कहता था पहले, बेटे बोला था बेटे मुख तेरा। ये ऐसे घटिया आदमी है, इन लोगों को रखा हुआ मैंने। अजय सर, एक्चुअली ये पाजी, ये इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं, ना आग की जरूरत होती है, ना आग की जरूरत होती है, ना बारूद की जरूरत होती है। कैसे कैसे? चलो मैं तो फिर भी पाजी, चलो आवाज करके बताता हूँ उनको, आवाज से खुश करता हूँ। ये तो आवाज भी नहीं करते, कागज को आग लगाते, पीछे से करते ठोस। ऐसे कौन दिवाली में आता? अच्छा, जैसे अजय सर ना, ये जब पटाखे चलाते ना, पटाखा बड़ा प्यारा सा पटाखा होता है, अमरूद जैसा पटाखा होता है, उसको ऐसे मतलब इस मुंह के साथ दिवाली मनाते हैं। ये कैसे मुंह से दिवाली मनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। इनका पटाखा कभी चलता ही नहीं है। हार गए फिर पटाखे कर दे, चल तेरी चल चल। और बकवास कुछ करनी है तुझे, एग्जिट कराऊं? जो मेरा काम था वो हो गया है। अरे सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तेरा कहां से हो गया, चल भाग यहां से। ये है मेरा एक्चुअली बचपन का दोस्त है। हाँ, मैंने बड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ है इसको। कोई क्वालिटी नहीं है दोस्तों वाली।
अब मैं जाऊंगी और थोड़ी बेइज्जती करनी है आपने। ये गाड़ी लेके जा अपनी 120 रुपए की जो बनवा के लेके बदतमीज आदमी। आ जाओ यार। अरे सर के लिए और काजल मैम के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates